गाइस इस दुनिया में ना अगर आपको अर्न करना है, अगर आपको पैसे कमाना है तो कुछ बेचना पड़ेगा, ये तो फॉर श्योर है। विदाउट कुछ बेचे आपके पास अर्निंग कैसे आएगी? क्योंकि आपको पैसा कोई तभी देगा जब बदले में आपसे कुछ ले रहा है, और बदले में क्या ले रहा है? वो जो आप सेल कर रहे हो, तो सेल करके ही आप अर्न कर सकते हो, ये तो 100% फैक्ट है। अब ये मत कहना सर मैं तो ब्लॉगिंग करता हूं, मैं कहां सेल करता हूं। गाइस आप सेल जरूर करते हो, सेल दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट सेल और एक पैसिव सेल। जो ब्लॉगिंग कर रहे हो ना उसमें आप अपना कॉन्टेंट सेल कर रहे हो टू गूगल, जिसके बिहाफ पे गूगल एडवर्टाइजर ला रहा है और एडवर्टाइजर आपको पे कर रहा है। तो इस तरीके से सेल तो आप कर रहे हो, ये मत सोचना कभी भी कि आप बिना कोई काम करके या बिना कुछ बेचे या बिना कुछ अपने ऑडियंस को दिखाए आप कुछ अर्न कर सकते हो, ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। उसे फिर चैरिटी देते हैं, मतलब मैंने जाके किसी को पैसे दे दिए, लेकिन अगर आपको अर्न करना है तो सेल करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सेल करके अर्न कर सकते हो, लेकिन वेट, ट्विस्ट है इसमें। अब आप कहोगे सेल करके अर्न कर सकते हो, सेल क्या करना है एग्जैक्टली, यही तो ट्विस्ट है। गाइस सेल करने के लिए यहां पर प्रोडक्ट चाहिए ना, कुछ तो बेचोगे प्रोडक्ट या सर्विसेज। अब मैं आपको बोलूं कि यहां पर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ही आप जब मर्जी क्विकली अपने लैपटॉप पर बैठ के बना सकते हो, एक मिनट या एक सेकंड के अंदर। तो क्या आप करना चाहोगे? अब आप में से ना 100% लोग बोलेंगे बिल्कुल करना चाहेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट वो भी आपके लैपटॉप में बैठ के बन जाएगा। मतलब कैसे निकल के आएगा, क्या कोई फोन कोई मोबाइल? नहीं नहीं, वो तो फिजिकल प्रोडक्ट है। हम जी रहे हैं डिजिटल एरा में, और डिजिटल एरा में डिजिटल प्रोडक्ट से बेस्ट इस दुनिया में क्या हो सकता है, और खासकर AI का यूज करके अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट बना दे तो उससे तो बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। आज मैं आपको इस वीडियो सेशन के अंदर बताने वाला हूं 12 ऐसे ChatGPT के यूज केस, जिसको बेच बेच के आप बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हो। जी हाँ, मैं आपको ChatGPT से ही प्रोडक्ट बनाना सिखाऊंगा, कि ChatGPT का जो वो रिस्पॉन्स है ना वही आपके लिए प्रोडक्ट का काम करेगा, और इतना बिकेगा कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि उसकी मार्केट बहुत बड़ी है। तो तैयार हो तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, क्योंकि इस चैनल का निच ही यही है कि मैं आप लोगों को कंटिन्यूअसली न्यू आइडियाज, लेजिटिमेट जेन्युइन आइडियाज ऑनलाइन मनी मेकिंग पे देता रहूं, और इसके साथ मैं आपको हेल्प भी करता हूं आपके ऑनलाइन मनी मेकिंग पे। तो जल्दी से लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ चाहिए, मुझे मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है, बस टारगेट जल्दी से पूरा कर दो। आप ही मेरी फैमिली हो, मैं कहां जाऊंगा किससे बोलूंगा, गाइस लव यू, जल्दी से करो। अब आते हैं वो 12 ऐसे तरीके जिसको एज अ प्रोडक्ट आप ChatGPT से बनवा सकते हो, और एज अ प्रोडक्ट मार्केट में उसको फिर सेल कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला जो रहेगा गाइस, दैट इज यू कैन सेल स्क्रिप्ट्स टू यूट्यूब वीडियो क्रिएटर्स। यस, मैं ChatGPT से आज के डेट में अपने सारे वीडियोस के स्क्रिप्ट्स बनवाता हूं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अगर आपने बनाना सीख लिया ChatGPT से, तो गाइस आप समझ लो कि ये जो एरा है वो पूरा कंटेंट क्रिएटर्स का एरा है। इस टाइम पे बोल सकते हो कि ये पूरी क्रिएटर इकोनॉमी चल रही है। मतलब अगर आपने क्रिएटर्स को सर्विस देनी स्टार्ट कर दिया ना, तो आपका धंधा कभी बंद ही नहीं होगा। तो आप पहला सबसे काम जो कर सकते हो, दैट इज यू कैन स्टार्ट मेकिंग स्क्रिप्ट्स फ्रॉम ChatGPT एंड कैन सेल इट टू न्यू क्रिएटर्स, और इवन जो एग्जिस्टिंग क्रिएटर्स है उनको तो ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनको पता है कि मेरा चैनल अब जो है विदाउट वीडियो विदाउट कंटेंट नहीं रहने वाला, तो दे कैन इजीली बाय द सर्विसेज फ्रॉम यू। प्रोडक्ट नंबर 2 जिसको आप ChatGPT से क्रिएट करके दुनिया को सेल कर सकते हो, एंड दैट इज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग। गाइस मैंने कहा ना डिजिटल एरा चल रहा है, और इसके हर अपॉर्चुनिटी को हमें तराशना है, और हर एक अपॉर्चुनिटी के डीप में जाके ना अपना खजाना निकाल के लाना है। तो इस टाइम पे हर कोई कुछ ना कुछ अपना एक प्रोडक्ट बेच रहा है, खासकर अगर मैं US मार्केट की बात करूं, वहां पर तो हर कोई अपना ऑनलाइन मार्केट में कुछ ना कुछ बेच रहा है, लेकिन वहां पर बेचने वाले लोग ना उनका प्रोडक्ट उनको पता है कि वो क्या है, लेकिन उन प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए वो फ्रीलांसर्स हायर करते हैं या फिर कोई सर्विस हायर करते हैं जहां से वो अपने प्रोडक्ट का एक बेस्ट डिस्क्रिप्शन लिखवाएंगे, लेकिन उनको ChatGPT शायद इतना इस्तेमाल करना नहीं आता, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट में एक्सपर्ट है, ChatGPT में नहीं है। बस वो क्या करेंगे, वो Fiverr या Upwork में जाएंगे, वहां से कोई फ्रीलांसर ढूंढेंगे, वहां से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए बकायदा गिग्स देंगे। और आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अगर आपको ChatGPT बहुत बढ़िया तरीके से आता है ना, तो आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इतना धांसू लिख के दोगे कि गोरे जो है ना आपके फैन हो जाएंगे, और आने वाले टाइम में गोरे नहीं इंडियंस भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए फ्रीलांसर हायर करेंगे, क्योंकि इंडिया में भी बहुत लोग ऑनलाइन आके सामान बेच रहे हैं। थर्ड ऐसा प्रोडक्ट आप बना सकते हो थ्रू ChatGPT, दैट इज ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस फॉर ई-कॉमर्स। मतलब ई-कॉमर्स जैसी वेबसाइट्स होती है, आपने बहुत बार देखा है कि वहां पर क्या होता है, लोग जाते हैं और अपना प्रोडक्ट सर्च करते हैं, लेकिन कभी कभार उनको अपना प्रोडक्ट समझ नहीं आता कि कौन सा लेना चाहिए, उनके मन में क्वेरी रहती है मुझे ये करना है तो इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट है, तो उनको कीवर्ड्स नहीं समझ आता वगैरह वगैरह। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर कस्टमर सर्विस को पूरा ऑटोमेट कर सकते हो चैट बॉट बना के। और अगर आपको चैट बॉट बनाना आता है, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कोई टेक्निकल काम नहीं है, बहुत ही ईजी होता है, बस कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना होता है, चैट
चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन करना होता है, चैट बॉट बन जाता है। मतलब आपकी साइट में जाके कोई अगर लिखेगा ना कि आई एम लुकिंग फॉर दिस सर्विस या आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, तो चैट जीपीटी से उसका आंसर आता है। और आपको पता है चैट जीपीटी कितना रियलिस्टिक आंसर देता है, तो उस कस्टमर को लगेगा कोई ह्यूमन उसका रिप्लाई कर रहा है। और इस तरीके से किसी भी वेबसाइट का जो रिटेंशन रेट है कस्टमर सर्विसेज का, वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना कि वो वेबसाइट ओनर आपको उस चैट बॉट के लिए अच्छा खासा पे करेगा। ऐसा चैट बॉट बनाना सीख जाओ। अगेन कोई टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन ये चैट जीपीटी का प्रोडक्ट है, उसको पता ही नहीं था। आप इसे एज अ प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू कर दो, पैसा ही पैसा है। फोर्थ, दैट इज पर्सनली माय फेवरेट, सेलिंग चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स। गाइस अगर मैं सच कहूं तो इस टाइम पे एक ऐसा बिजनेस निकल के आया मार्केट में कि अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो और आपको पता है कि एक प्रॉम्प्ट को किस तरीके से बनाया जाता है, तो गाइस इस दुनिया में जो चैट जीपीटी यूज करना चाहते हैं या कर रहे हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े प्लेयर्स, उनको प्रॉम्प्ट चाहिए होता है, भैया मुझे ये वाला काम कराना है, लेकिन लिखना क्या है चैट जीपीटी से ताकि एग्जैक्ट वो रिजल्ट आए जो मैं चाहता हूं। उसके लिए लोग प्रॉम्प्ट्स खरीदते हैं। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाए इस चैनल पे, ऊपर आई बटन पे जाओ, क्लिक करो और आप देखो कि कैसे आप अपने प्रॉम्प्ट्स को सेल कर सकते हो promptbase.com पे, या फिर इनफैक्ट आप फाइवर में जाओ, लोग प्रॉम्प्ट बाय करेंगे आपसे। और इसके लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे ना महारत चाहिए, डिटेल में प्रॉम्प्ट कैसे बनाया जाता है। और आपको एक अच्छी खबर सुनाऊं, एक बहुत जबरदस्त एक्साइटिंग खबर, गाइस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे मैंने खुद अपना एक चैट जीपीटी कोर्स बनाया है, बिकॉज आप मुझे जानते हैं एज एन चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट। मुझे पता नहीं कि आप नए हैं पुराने हैं, लेकिन अगर आप मेरे लॉयल व्यूअर हैं, काफी टाइम से इस चैनल को देख रहे हैं, तो आपको पता है कि मैं चैट जीपीटी में कितनी वीडियोस बनाता हूं। कितनी? क्यों? क्योंकि मैं खुद उतना यूज करता हूं उसको। और आज की डेट में ना मुझे चैट जीपीटी का ऑलमोस्ट हर प्रॉम्प्ट पे महारत हासिल है, और मैंने आपके लिए ना पूरा वही ज्ञान एज इट इज उस कोर्स में डाल दिया, जिसको सुनने पढ़ने के बाद आप जिंदगी में भी चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट आप उस फाइन डिटेल्ड प्रॉम्प्ट को बनाने में समर्थ हो जाओगे, जिसको कोई सोच भी नहीं सकता यार, ऐसे भी प्रॉम्प्ट लिखे जाते हैं। उसका जो रिजल्ट फिर चैट जीपीटी देगा, जो रिस्पांस देगा ना, वो माइंड ब्लोइंग होगा। उस प्रॉम्प्ट को खरीदने के लिए दुनिया पागल होगी आपसे, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, डिस्काउंटेड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके जल्दी से बाय कर लो और एआई के इस करियर को ना राइड करना शुरू कर दो, क्योंकि आने वाले 10 साल एआई के प्योर हैं। जो इस एआई एरा के लिए रेडी है बस वही सर्वाइव करेगा, बाकी तो सिर्फ ऐसे भेड़ चाल चलेंगे। द फिफ्थ यूज केस जो कि चैट जीपीटी से आप ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो, एंड दैट इज नोन एज इंटरएक्टिव कोर्स। गाइस आप ना किसी भी सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट हो, आपको क्या करना है, आपको खुद से बहुत लंबे लंबे कोर्सेज के कंटेंट लिखने बनाने या नहीं करने, आपको सिंपल क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है और अपने पूरे उस सब्जेक्ट पे पूरा का पूरा कोर्स का मटेरियल बना लेने हैं, क्विजेस बना लेने हैं। और इनफैक्ट अगर आप कोर्स को वीडियो फॉर्मेट में दे रहे हो, तो उस कोर्स का वीडियो स्क्रिप्ट भी आप चैट जीपीटी से बना सकते हो, और उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हो ऑनलाइन, या इनफैक्ट उडेमी में जाके उसको लिस्ट कर दो, उडेमी खुद आपके कोर्सेज को बेचता रहेगा। और उडेमी में जो कोर्स एक बार लिस्ट हो जाता है ना, और अगर वो एक बार चल गया अच्छे रेटिंग के साथ, तो गाइस आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, सच कह रहा हूं दोस्त, ऐसा होता है। सिक्स्थ यूज केस, क्रिएट कंटेंट फॉर एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट। अगर आपके पास कोई भी एक एफिलिएट प्रोडक्ट है और आपके पास जनता है, ट्रैफिक है, या फिर आप पेड ट्रैफिक से उसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको सिंपल पता क्या करना है, आपको बहुत ही एंगेजिंग कंटेंट बनाना है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, और उसके बाद आपको पेड एड्स चला देना चाहिए, भले फेसबुक एड्स हो या गूगल एड हो, क्योंकि वो कंटेंट जो है वो गूगल पे तो रैंक नहीं करेगा, लेकिन अगर पेड एड चला सकते हो ना, तो गाइस ऐसा कंटेंट बना के देगा आपका चैट जीपीटी कि फेसबुक और गूगल से ट्रैफिक आएगा, उस कंटेंट को पढ़ेगा और वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, इतना हाईली एंगेजिंग कन्वर्टिंग कंटेंट बना के देता है आपको चैट जीपीटी। सेवंथ है ईबुक राइटिंग एंड पब्लिशिंग ऑन Amazon Kindle। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन Amazon का Kindle एडिशन के जो ईबुक्स होते हैं उसे Amazon इतना प्रमोट करता है, खासकर गोरो को, मतलब US और UK में। आप बस ईबुक बनाना शुरू कर दो किसी अच्छे बर्निंग प्रॉब्लम पे या कोई ऐसे टॉपिक पे, इनफैक्ट आप किड्स बुक स्टोरी बुक बना के ना उसका ईबुक वर्जन जो है Kindle में जाके अपलोड कर दो Amazon के, बहुत इजी प्रोसेस है, ढेर YouTube वीडियोस मिल जाएंगे उस पे आपको, आप बस इतना कर लो, आप देखना Amazon आपके उस ईबुक को बेच-बेच के आपके अकाउंट में पैसे भेजता रहेगा। एट, गाइस क्रिएट AI इमेजेस फ्रॉम चैट जीपीटी, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास GPT-4 होना चाहिए, जिसके लिए आपको थोड़ा सा पॉकेट ढीला करना पड़ता है, लेकिन चैट जीपीटी में आप इमेजेस इतनी वर्ल्ड क्लास बनवा सकते, सिर्फ प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, और उसके बाद जो वो इमेज बना के देता है ना, वो इमेज ऐसी ऐसी जगह बिक जाती है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस इस चैनल के अंदर बना रखे, आप जाके बस उन वीडियोस को देखो, और इस यूज केस को यूज करके भी आप अच्छा खासा AI इमेजेस सेल कर करके, या इनफैक्ट AI इमेजेस की ब्लॉगिंग कर करके आप बहुत पैसा अर्न कर सकते हो। गाइस द 9 यूज केस जो कि आप चैट जीपीटी को एज अ प्रॉड ना क्रिएशन में यूज कर सकते हो, दैट इज नोन एज रिज्यूमे राइटिंग। यस, आपको सुनकर लग रहा होगा यार रिज्यूमे राइटिंग, रिज्यूमे भी कोई लिखवाता है? अरे यार इंडिया में छोटे मोटे जॉब्स के लिए कोई रिज्यूमे नहीं लिखाता, लेकिन बाहर के जो गोरे होते हैं, इनफैक्ट इंडिया में भी अब कल्चर आ गया, जो ये हाई प्रोफाइल वाले जो यू नो जॉब्स निकलते हैं ना, इसके रिज्यूमे वो एक पन्ने
पन्ने दो पन्ने वाले नहीं होते, इनमें 20-20 पन्ने के रिज्यूमे होते हैं, और उसको लिखना कोई छोटी बात नहीं होती है। इतना कैप्टिवेटिंग रिज्यूमे बनाना, उसके लिए लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इतने लोग मतलब हाईली क्वालिफाइड लोग इस टाइप के रिज्यूमे बनवाते हैं, और वो लोग $500 देने में भी कतराते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इनमें जॉब जो लगने वाली ना वो $50,000 की लगने वाली है। गाइस 10th है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी। चैट जीपीटी से आप आराम से सोशल मीडिया, आराम से एसईओ, आराम से ईमेल मार्केटिंग, आराम से आप इसका ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें मतलब नेम इट एंड चैट जीपीटी कैन डू इट। आपको सिंपल पता है क्या करना है, आपको सिर्फ कंसल्टेशन प्रोवाइड करनी है। एनीबॉडी जिसको सिर्फ एक प्लान चाहिए, भैया मुझे अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है, या फिर मैं नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, इसको ऑनलाइन कैसे प्रमोट करना है, उनको सिर्फ प्लान देना है आपको, ये प्लान्स बिकते हैं गाइस। आपको सिर्फ कंसल्ट करना होता है कि अगर आपका ये बिजनेस है और ये प्रोडक्ट है, ये प्राइसिंग है, ये ऑडियंस है, तो आपको क्या करना चाहिए। चैट जीपीटी पूरी प्लानिंग बना के दे देता है, बस आपको वो प्लानिंग बेचना है। एंड बिलीव मी गाइस, इन प्लानिंग को खरीदने के लिए सिर्फ फाइबर पे नहीं, बहुत जगह पे आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे, और ये इतना बढ़िया यूज केस हो सकता है चैट जीपीटी का प्रोडक्ट बनाने के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो यूज इट अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो। द 11th सर्विस इज कस्टमाइज्ड मील प्लान्स। गाइस क्या होता है कि आज के डेट में भाग दौड़ की जिंदगी में ना बहुत लोग अपना ना मील प्लान जो है उसको मैनेज नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल लोग जिम जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि मतलब उनको डाइट कैसे लेनी है, वो एक प्रोफेशनल डाइटिशियन को हायर करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बीमार है, उसके पास एक इंसानी डाइटिशियन करने के लिए ना पैसे नहीं होते, क्योंकि डाइटिशियन एज अ कंसल्टेशन फीस ही 10,000-15,000 रुपए लेता है। आपको चैट जीपीटी डाइट प्लान बना के दे देगा, खाली आपको अपने क्लाइंट का जो भी उसका रिपोर्ट आया, फॉर एग्जांपल वो बीमार है या सिक है, बस उस रिपोर्ट को चैट जीपीटी में अपलोड करना है, बोलना है भैया कि इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए मुझे डाइट प्लान बना के दो फॉर नेक्स्ट 15 डेज। इसके लिए गोरे बहुत ज्यादा पे करते हैं, क्योंकि वहां पर जो ह्यूमन डाइटेशन है, जो कि एज अ पर्सन है, वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। आप इन सर्विसेज को यहां से सेल करके वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होगा गाइस, मैंने खुद इसको इस्तेमाल किया, मुझे पता है। 12th एंड द लास्ट यूज केस ऑफ दिस सेशन गाइस, मैं आपको बता दूंगा अनलिमिटेड ऐसे यूज केस है जो कि चैट जीपीटी से आप बना बना के एज अ प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, बट इस सेशन के लिए लास्ट है। बाकी अगर आपको खुद का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना है तो मैंने आपको बता दिया कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मेरा कोर्स करके इसको सीख सकते हो, बहुत ही हेविली डिस्काउंटेड प्राइस में मैंने इसको लॉन्च कर दिया है। तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करो, चेक करो उसकी डिटेल, उसके बाद आप अपना करियर डिसाइड करो कि आपको करना है नहीं करना। 12th पे आते हैं गाइस, एंड द 12th वन इज द ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स। गाइस आपको पता है कि ईमेल मार्केटिंग का क्या रोल है हमारे डिजिटल मार्केटिंग में, मंगस ह्यूज। मतलब ईमेल मार्केटिंग की जो सीक्वेंस है ना, वो सीक्वेंस ही आज के डेट में लोगों के प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ईमेल मार्केटिंग के जो सीक्वेंसेस है कि फर्स्ट ईमेल ये जाएगा कस्टमर्स को, सेकंड ईमेल ये जाएगा, फोर्थ ये जाएगा, फिफ्थ ये जाएगा, सो ऑन, इसे कहते हैं फॉलो अप सीक्वेंस, ताकि इससे कन्वर्जन आए ऑडियंसेस का। अगर आपने ये ईमेल सीक्वेंस बनाना सीख लिया कि एक के बाद एक क्या जाता है गाइस, आपका ये प्रोडक्ट हिट हो जाएगा, क्योंकि ईमेल इज समथिंग जो कि हर बिजनेस करती है, हर बिजनेस हर बंदे को चाहिए होता है। अब ईमेल लिखना उस अकॉर्डिंग जिससे कन्वर्जन आए, ये बहुत कोई नहीं कर सकता, और जो ईमेल एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा प्रीमियम चार्ज करते हैं भैया ईमेल लिखने का, इसलिए चैट जीपीटी आपको बहुत इजीली इसको लिख के दे देता है। आपको सिंपल क्या करना है, चैट जीपीटी से लिखवाना है और इन ईमेल सीक्वेंसेस को एज अ प्रोडक्ट गोरो को बेचना है, और फ्यूचर में तो देखना कि इंडियंस भी बाय करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंडियंस इस टाइम पे ऑनलाइन बहुत ज्यादा अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो लगा रहे हैं। सो गाइस ये थे मेरे 12 वो यूज केसेस जो कि चैट जीपीटी से एज अ प्रोडक्ट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, बनाना शुरू कर दो, चैट जीपीटी से दोस्ती कर लो गाइस, इससे बेटर इस दुनिया में टूल आने वाले 10 साल तक शायद आपको ना मिले, क्योंकि ये आपकी लाइफ को इतना इजी कर रहा है, इतना इजी कर रहा है, मतलब आपका 90% का वर्कलोड जो है चुटकियों में खत्म कर दे रहा है। सिर्फ 10% आपको आइडिया ही तो लगाना है, सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही तो आनी चाहिए, बाकी सारा काम तो ये कर रहा है ना लेबर वर्क। इसलिए मैं कहूंगा जल्दी से दिमाग लगाओ, दिमाग चलाओ, बस अपना प्रोडक्ट रेडी करो। और अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए आउट ऑफ द वे जाके, या फिर इससे बाहर कुछ चाहिए, आपको और कुछ पता करना है, आपका कोई अपना बिजनेस है, कुछ आइडिया आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रॉम्प्ट होना चाहिए, तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा, और क्या पता आपका प्रॉम्प्ट मैं आपको ऐसे बना के दे दूं, बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो आता है प्रॉम्प्ट बनाना, तो आपको आपके बिजनेस के लिए प्रॉम्प्ट बना के दे दूंगा, लाइफ टाइम उसको यूज करते रहना एंड मजे आ जाएंगे आपके। चलो गाइस आप जल्दी से बताओ वीडियो कैसा हुआ, कमेंट में मुझे रिप्लाई जरूर चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत लोगों को सच में इस वीडियो की जरूरत है, जिसको कोई समझ नहीं आ रहा, कोई दिशा नहीं है उसके पास कि उसको करना क्या है, तो गाइस ये वीडियो उसको दिशा दे सकती है। मैं सच में कह रहा हूं, मेरा मोटिव जो है आप लोगों को सिर्फ ऑनलाइन के अपॉर्चुनिटी से रूबरू कराना है। अब कितने लोग कर पाएंगे नहीं पाएंगे वो अब उनके ऊपर छोड़ दो, लेकिन आप शेयर करो, शेयरिंग इज ऑलवेज अ केयरिंग, एंड मेरी तरफ से शेयरिंग आप लोगों को हो चुका है, आप दुनिया में फैलाओ, एंड इस तरीके से दोनों मिलकर बढ़ेंगे, आप भी और मैं भी। बाकी आशा करता हूं कि वीडियो की क्वालिटी मेरी तरफ से बहुत बढ़िया थी, आपका क्या सुझाव है मुझे कमेंट में चाहिए होगा। बस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए तब तक के लिए, और यूं ही मुस्कुराते रहिए और दिमाग ठनकाते रहिए। बाय गाइस।